Assalamualaikum everyone, you are watching Chennai Grammar Scholarship. So part 3 में जो है वो हम guidelines देखने वाले हैं आपकी SOP के related, और अगर आपने अपना SOP start करना है, लिखना start करना है, तो क्या कुछ tips होंगी इसके बारे में और कौन से points हैं जो आप अपने mind में रखने चाहिए before writing your SOP. So सबसे पहले जो है tips start करने वाले हैं कि आपको जो SOP है वो eye catching होना चाहिए, कि अगर ये इंसान देखते हैं उसमें कुछ quotations होनी चाहिए. आप किसी कोटेशन के साथ जो है वो अपना SOP स्टार्ट कर सकते हैं. आपने सब कुछ जो है वो एक सीक्वेंस में स्टार्ट करना है. ओके हो गया कि आपने जो भी लिखना शुरू करना उसको सीक्वेंस होना चाहिए. अब चार पॉइंट्स हैं SOP के. आपका पास क्या है, पर्सनैलिटी है, जिसमें आप अपने इंट्रोडक्शनरी पार्ट, अपने स्ट्रगल्स के बारे में लिखेंगे, अपने बैकवर्ड एरिया के बारे में लिखेंगे, फीमेल्स गेट मोर प्रेफरेंस, और वॉलंटियर लीडरशिप एक्टिविटीज़ के बारे में लिखेंगे, स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स के बारे में लिखेंगे. तो ये सारा कुछ आपकी पास को पर्सनैलिटी के पॉइंट में आ जाता है. देन योर फील्ड एंड एम्स रिलेटेड टू फील्ड, मेंशन योर गोल. आपने अपने गोल्स को, एम्स को लिखना शुरू करना है. अपने इंटरेस्ट को डिवेलप जो आपके अंदर हो चुका है कि USA जाना है, उसको डिस्क्राइब करें, और समथिंग यू ग्रेड प्रोग्राम के अंदर आप सब कुछ इसको इस तरह रिलेट करें कि जो भी देखे आई कैचिंग हो उसके लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने एजुकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी की फील्ड में हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन हाउ यू विल लिंक बोथ. यू कैन रिलेट योर फील्ड इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी. तो ये एक एग्जाम्पल दी आपको. उसके बाद व्हाई डू यू वॉन्ट टू गो टू USA, ये सबसे मेन क्वेश्चन है जो कि इंसान को जवाब भी देता है और उसको कामयाब भी कर देता है. सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, व्हाई डू यू वॉन्ट टू गो टू USA. सेकेंड पॉइंट में लिखा है, रिलेट योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट विद दिस प्रोग्राम, शो देम दैट यू आर इंटरेस्टेड इन US कल्चर एंड लर्निंग. तो जैसे कि आपको बताया कि लीडरशिप क्वालिटीज़, कल्चर, ये सब कुछ आप सीखने वाले हो. आप वहाँ पे जाके एक प्रोफेशनल स्किल्स सीखोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतर होंगे, तो ये सारा कुछ आप लिखोगे. डोंट्स, डू नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट योर कंट्री और कल्चर. अपनी कंट्री और कल्चर के बारे में कुछ गलत मत लिखें. डू नॉट वॉन्ट एनी वे दैट यू वॉन्ट टू सेटल देयर. यू कैन एड व्हाट यू विल डू आफ्टर कम बैक टू योर कंट्री. हमेशा एक पॉइंट याद रखें कि कभी भी आप USA का वीज़ा अप्लाई कर रहे हों, चाहे वो एक स्टूडेंट का वीज़ा हो रहा है, F1 वीज़ा है, या आप टूरिज्म वीज़ा अप्लाई करते हैं, या ये यू ग्रेड की स्कॉलरशिप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो कभी भी कहीं पे भी ऐसा मत लिखें कि हम वहाँ पे सेटल हो जाएंगे. आपने हमेशा ये लिखना होता है, आपने बताना होता है, मैंने वापस आगे क्या करूँगा जब मैं USA से कम बैक वापस आ जाऊँगा, व्हाट वी शुड आई हैव टू डू, मैं क्या करूँगा. तो ये सारा कुछ लिखना होता है. और टेल टाइम, उसके बाद आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में लिखें जो कि दूसरों से आपको यूनिकली अलग कर रही होंगी, बिकॉज दे आर इन सर्च ऑफ समवन यूनिक हु हैज़ लीडरशिप क्वालिटीज. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में, कि किसी का SOP जो है सिलेक्टिव कैंडिडेट का रीड करें, बट उसे कॉपी मत करें. आपने अपना लिखना है और हमेशा सच लिखें. अपने अलुमनाई से आप रीचेक के लिए कर सकते हैं कि मैं अपना SOP जो है वो रीचेक करवाना चाहता हूं. तो आप अगर रीचेक भी करवाना चाहें तो आप हमें सेंड कर सकते हैं. हमारे पास बहुत से ऐसे अलुमनाई हैं, तो हम उनसे आपका जो SOP है उसको रीचेक करने के बाद आपको तमाम डिटेल सेंड कर देंगे कि कहां पे गलती है. तो अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी मेल के थ्रू जो कि आपको गिवन है हमारे चैनल पे. सो उसके बाद इन केस इफ़ यू आर नॉट श्योर, देन आप कॉन्टैक्ट करें. और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश मत लिखें, सिंपल से पॉइंट लिखनी है और सिंपल से इंग्लिश होनी चाहिए. जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ कि जो SOP के वर्ड्स हैं वो 250 हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं लिखने. सुजेशंस ये हैं कि जब आप रीराइट कर लें अपना SOP, अपने SOP को बार बार रीराइट करना, अपने उसको दोबारा दोबारा पढ़ते जाना है, और देन आपको मिस्टेक्स नजर आ जाएंगे. आपने ये देखना है कि हमें क्या कुछ मेंशन करना चाहिए, क्या कुछ नहीं, क्योंकि 250 वर्ड बहुत कम हैं. और अगर आप अपनी तरफ से कंप्लीट कर चुके हैं कि जी मैंने बहुत ही अच्छा लिख लिया, देन आप प्रूफ रीड करने के लिए किसी अलुमनाई को दें, और इफ़ देयर आर एनी मिस्टेक तो वो आपको बताएगा, फिर उसे प्रूफ रीड करें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें. तो फाइनल ड्राफ्ट जो है, देन आप वो फाइनल ड्राफ्ट अपने एप्लीकेशन में पुट कर सकते हैं. और मैं आपको बता दूं कि 21 सितंबर 2022 जो है वो लास्ट डेट है. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं. हम आपकी मदद के लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं.
और हमारे पास बहुत से ऐसे अलूमनी हैं, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं हम उनका नंबर आपको दे सकते हैं ताकि आप जो है वो अपनी SOP को बेहतर कर सकें या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं, आपको उनका रिप्लाई जल्द अज जल्द दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।